देख रहे हैं आप, पोस्ट कर रहे हैं आप, महसूस कर रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होने जा रहा है, दोनों बड़ी पार्टियां ब्रिटिश कोलंबिया की अपने अपने लीडर ढूंढ रही हैं, तो आपकी क्या पॉलिटिकल नज़र है इस हवाले से? यार नवीद साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं तो बहुत क्लोज रहा हूँ जिस ज़माने में था अखबार में एक्टिव, उस वक्त तो मैं पॉलिटिकली इन तमाम लीडर्स के साथ, एनडीपी और लिबरल वाले इन सब लोगों के साथ, इनको शुरू में मैंने इंटरव्यू किए हैं, कैरल जेम्स है और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैक लेटन वगैरह, इन सबको, और अखबार में मैं लिखता रहा हूँ उनके बारे में। अभी मैं बिल्कुल जो है आई एम नॉट फॉलोइंग क्या हो रहा, बस खबर सुन ली। मैं पाकिस्तान की सियासत ज़्यादा देख रहा हूँ, घर में वो जादू लगा हुआ है टीवी, तो जिसकी वजह से हम सारे ही, मेरा ख्याल है जितनी 60% लोग जो हैं वो पाकिस्तान ही देखते हैं। पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं, आजकल पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान भी एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा है, वो भी जैसे यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में लीडर्स की तलाश है, पाकिस्तान में भी इसी तरह ही सियासत बहुत सारे रुख बदलते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। उसमें हमने हाल ही में देखा है कि यहाँ पे एक इमरान खान साहब ने एक तरीके PTI यहाँ लॉन्च की, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ APML लॉन्च होने जा रही है, तो आपके बड़े गहरे इसमें कंट्रीब्यूशंस हैं, पाकिस्तान की सियासत पे नज़र है, पाकिस्तान का दर्द है। आप मुशर्रफ साहब का ट्रिप भी आ रहा है, आप इस हवाले से क्या देख रहे हैं, क्या नज़र है आपकी कि यहाँ पे एक पाकिस्तानियों में पाकिस्तानी सियासत का रुझान होना, उस पर आप क्या कहना? मैं एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल नवीद कि आपने इस बात का मौका दे दिया और मैं आपकी इजाज़त से, क्योंकि मैं इसमें बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। अभी प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो हैं वो 20 जनवरी को यहाँ पे आ रहे हैं, और उसका बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें वजाहत शाह को आप जानते हैं, वजाहत इज़ माई फ्रेंड, और मैं और वजाहत के काफ़ी अरसे से हम पॉलिटिकली बात करते हैं। वजाहत वैसे भी पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है लिबरल्स के साथ, लोकल पॉलिटिक्स में भी, लेकिन पाकिस्तान के बारे में भी हम लोग बात करते रहते थे हमेशा। तो एक दिन इत्तेफाक से आके हमें लियाकत बाजवा साहब ने मुझे अप्रोच किया, और उन्होंने मुझे बोला कि भाई मुशर्रफ साहब यहाँ पे आ रहे हैं, तो अगर उसके लिए कुछ करना चाहें, क्योंकि मेरे व्यूज़ अब सबको पता है, मैं आम अ प्रो मुशर्रफ पर्सन, क्योंकि मुझे मुशर्रफ में उसने बेतहाशा गलतियाँ की हैं, जो कि करते हैं एज इंसान, हम लोग करते हैं, सब ने की होंगी, लेकिन उसकी एक चीज़ जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक होती थी वो होता था उसका बहुत पहले से नारा है कि पाकिस्तान फर्स्ट। तो ये एक ऐसी अपीलिंग चीज़ है मेरे लिए कि मैं मुशर्रफ को एज अ लीडर जो है मैं समझता था कि ही इज़ वन पर्सन, और उसने कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन उसके बावजूद, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले, अभी मैं TV पे सुनता हूँ और लोगों से बातें सुनता हूँ, मुझे आर्गूमेंट समझ नहीं आता लोगों का। लोग कहते हैं कि अभी पाकिस्तान की जो बुरी हालत है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि 8 साल मुशर्रफ ने, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई क्या तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि 8 साल मुशर्रफ ये प्लान करता रहा कि जब तक मैं हूँ तो काम ठीक चलता रहे, लेकिन जब मैं जाऊँ तो इकॉनमी भी कोलैप्स कर जाए, आटा भी महंगा हो जाए, चीनी भी गायब हो जाए, बिजली भी ख़त्म हो जाए, गैस भी ख़त्म हो जाए। ये तो 8 साल में मुशर्रफ जब था प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो हमने ये चीज़ें तो सुनी नहीं थी, देर अदर चैलेंजेस बट नॉट दीज थिंग्स। डॉलर जो था पूरे 8 साल 60 रुपये पर बंधा रहेगा, अभी 2.5 साल में डॉलर जो है वो 86 रुपये का हो गया। अब ठीक है, लोग मुशर्रफ की गलतियाँ जो हैं वो हैं, और उसमें वो उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है, मुशर्रफ हैज़ एक्सेप्टेड पब्लिकली कि मेरी जो है NRO की बहुत बड़ी गलती की इसने, ही इज़ एक्सेप्टिंग इट। ये बहुत बड़ी एक किसी लीडर की क्वालिटी है कि अपनी गलती को वो एक्सेप्ट करे। ही इज़ एक्सेप्टिंग कि मैंने जो जुडिशरी के साथ किया दैट वाज अ मिस्टेक, दैट मींस ही इज़ लर्निंग। अगर कोई आदमी अपनी गलती को मान रहा है तो उसमें आपको जो सबसे बड़ी चीज़ नज़र आनी चाहिए वो ये है कि वो सीख रहा है, क्योंकि सीखने का सबसे पहला जो है असूल ये है कि आप अपनी गलती माने। जब आप अपनी गलती मानेंगे तो आप उसको रिपीट नहीं करेंगे और आप बेहतर बात सीखेंगे। एक शख्स अगर अपनी गलती पे अड़ जाए कि यार ये मेरी गलती नहीं है, तो उसके लिए सीखने की कोई गुंजाइश नहीं है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई सी लॉट ऑफ होप इन मुशर्रफ, ही हैज़ एक्सपीरियंस,
उसने वहाँ पे गुजारा है वक्त, उसने और देखें जब तक मुशर्रफ साहब मौजूद थे तो उनका एक पाकिस्तान का एक वक्त आया था कि हमें यहाँ रहते हुए हमें एक इमेज बनना शुरू हो गया था। आई फेल्ट इट कि यार रियली कोई पाकिस्तान का अभी जो है प्रोजेक्शन जो है वो सही तरीके से हो रही है। तो दिस वाज माय आर्गुमेंट एंड आई वी आर एक्चुअली जो मुशर्रफ के साहब के जो अभी हम कर रहे हैं उसमें हम लोग जो हैं ये बेसिक आइडिया था मेरा, मैं और वजाहत बहुत अरसे से बात कर रहे थे। बाजवा साहब लियाकत बाजवा ही अप्रोच्ड अस मी, मैंने ही आस्क्ड मी कि वजाहत से भी बात करें, तो पता था कि वजाहत, वी गॉट टुगेदर, फिर हम तीनों इकट्ठे बैठे एंड वी टॉक्ड अबाउट इट, और हमने बहुत लोगों को बीच में इन्वॉल्व किया है। असद शाह साहब हैं अपना और साजदा हैं और हमारी कम्युनिटी के काफ़ी लोग हैं 15-20 जिनको हमने एक मीटिंग की, हमने बोला कि वी वांट टू गेट टुगेदर और अल्टीमेटली हमने बोला था कि हम कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं करना चाह रहे। और इमरान खान का, आई पर्सनली एम अ ग्रेट फैन ऑफ इमरान खान, बट दैट डजंट मीन कि मैं इमरान खान का अगर फ़ैन हूँ तो मुशर्रफ को मैं गाली निकालूँ या मुशर्रफ का फ़ैन हूँ तो इमरान खान को गाली निकालूँ। और हमने अभी रिसेंटली एक मैंने प्रेसिडेंट मुशर्रफ का इंटरव्यू सुना, उन्होंने बोला कि उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस मौजूद हैं उनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि करेक्टर वाला आदमी है तो कौन है। सर आपने इस पूरे अरसे में, जाहिरी बात है कि आप अहम तरीन मनासिब पे फायज रहे, तकरीबन तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप में किसी न किसी हैसियत में आपके साथ उनका रब्ता हो चुका होगा, आपने इन लोगों में जो पहले से मौजूद ला है करेक्टर वाला बंदा किसको पाया? महमूद खान, मौलाना फजल रहमान, काजी हुसैन अहमद, ये सब में अगर जो नाम आपने लिए हैं इन सब में अगर बेहतर मैं कहना चाहूँ, मेरे ख्याल में मैं इमरान खान से कहूँगा कि ये इन सब में बेहतर इंसान। अच्छा, जिन्हें उसमें मुनाफत नहीं है जो अंदर रहा बाहर रहा निस्पतल। And I felt so pleased उनका जवाब सुन के मुझे बहुत खुशी हुई यार कि that is where I feel myself in line in thinking with President Musharraf, कि वो आदमी उन्हीं values को उन्हीं morals को लेके चलता है जो मैं खुद भी समझता हूँ। उसने सोचा है 3-4 मिनट, वो आप लोग इंटरव्यू देखें उसको, वो मौजूद है यूट्यूब पर। ही थाट फॉर 3-4 मिनट्स एंड देन ही सेट आई थिंक ईमानदार आदमी इमरान खान है एंड ही वॉज सो ट्रू अबाउट इट। इस पर कोई भी आदमी जो है वो डिबेट नहीं करेगा। तो दिस इज़ प्योरिटी ऑफ अ लीडर कि उसमें इतनी जरूरत है कि वो अपनी वो बात इस तरीके से कर। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मैं तमाम लोगों को इनवाइट भी करूँगा कि यार प्लीज़ आप लोग इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाएं। अगर किसी को मुखालफत है, किसी को उनके साथ वो है कि दे थिंक दे आर अगेंस्ट मुशर्रफ, वी विल गिव दम स्पेस। हमने पूरा इंतज़ाम किया है, आई हेल्ड मीटिंग्स, RCMP के साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं, हमने अपना सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ है। हम आपको जो कनाडा का कानून इजाज़त देता है आप बिल्कुल आके तमीज़ के साथ, तहजीब के साथ अपने बैनर्स लेके आप मुजाहिरा करें सामने उनके, ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज़ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। और मैं पर्सनली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मेरी कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ रह के ये हो सकती है कि हम लोग और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम ये कोशिश करें कि वहाँ पर एक ऐसा शख्स पहुँचा दें, एक ऐसे आदमी को पाकिस्तान में बिठा दें कि जो पाकिस्तान को लीड करे विद डिग्निटी एंड ऑनर। एंड आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान में चेंज की ज़रूरत है। हमारे यहाँ हमेशा चेंज में क्या सिर्फ दो पार्टीज रही हैं, पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग, और वो दोनों अपनी अपनी बारी खेल गए और हमने देखा है कि उन्होंने अपने दौर में कहीं ज़्यादा गलतियाँ की हैं बनिस्बत मुशर्रफ के। आई थिंक दिस इज़ अ टाइम कि दीज टू पार्टीज शुड बी रिप्लेस्ड विद मुशर्रफ एंड इमरान खान। इमेजिन करें अगर इमरान खान या मुशर्रफ इन दोनों में से एक रूलिंग पार्टी हो और दूसरा अपोजिशन में बैठा हो तो वो मुल्क मेरे ख्याल में तरक्की के ऊपर चलेगा, क्योंकि ये दोनों लोग ईमानदार हैं, सिंसियरली सोचते हैं, एक विजन है इनके, अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं। इनका ये नहीं है कि भाई मामे चाचे की सियासत है कि बाप गया तो बेटा आ गया, तो बेटा गया तो भाई आ गया, तो चचा आ गया तो मामू आ गया। तो ये लोग जब तक उस हम उसको नहीं तोड़ेंगे, उस बॉक्स में से जब नहीं निकलेंगे, जब तक उस वक्त तक
हर आम आदमी को, हर शख्स को जब तक एक्टिव पार्टिसिपेशन का इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। एंड आई सी दिस थिंग कि इन दोनों लोगों की मौजूदगी से, इनके आने से पाकिस्तान के अंदर जो है एक चेंज आएगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन, अ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। मुशर्रफ को आई विल नेवर सपोर्ट इन यूनिफॉर्म नाउ बिकॉज मार्शल लॉ इज़ नॉट एन ऑप्शन, बट अगर मुशर्रफ इज़ इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली बाई द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं अभी पाकिस्तान से आया हूँ रिसेंटली। मीडिया इज़ टोटली बायस्ड, मीडिया बिल्कुल मुशर्रफ के अगेंस्ट है टोटली, जितनी लीडरशिप है सब अगेंस्ट है, लेकिन मैन ऑन द स्ट्रीट वो मुशर्रफ को याद कर रहा है। और वो मैन ऑन द स्ट्रीट जो है वो डेफिनेटली उसके लिए इस मरतबा वोट करेगा। सो मेरे ख्याल में मुशर्रफ हैज़ वेरी ब्राइट चांसेस ऑफ गोइंग बैक टू पाकिस्तान एंड कंटेस्टिंग इन इलेक्शंस। अच्छा, दो क्वेश्चन करूँगा मैं अपने बात की। पहली बात तो ये मैं करूँगा, अच्छी है कि हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का आपको दुख है, दर्द है, इसीलिए आप पाकिस्तान की पेन फील कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अच्छा लीडर और क़यादत अच्छी आनी चाहिए, उसकी इकॉनमी सही होनी चाहिए। आपने इमरान खान के हवाले से बात की। इमरान खान का जो पहला दौर है हमने देखा है कि जब मुशर्रफ साहब थे तो उनको बड़ा प्रो मुशर्रफ था इमरान, लेकिन बाद में मुशर्रफ साहब की कुछ ऐसी जो उन्होंने गलतियां की उसके बाद इमरान खान साहब अब हमेशा ही अपनी तकरीर में कहते हैं कि मैं उनसे, जब भी हमने उनका इंटरव्यू सुना है कि उनके जो मिसिंग पर्सन का जो चक्कर चल रहा था और जो जामे आपसा में जो कुछ हुआ, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं उसके और फिर बलूचिस्तान के आपके सामने है सारा कुछ, तो आप उसको व्यू करते हैं, आप देखते हैं उसको, कोई वैल्यू देते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं जो सर्टनली ये सारे इवेंट्स हैं, इनको हिस्ट्री है, इसको आप वॉश ऑफ नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन आपने एक चीज़ को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना है। अगर जामिया हिफ्सा में जो कुछ हुआ है वहाँ पर बच्चे अगर मारे गए हैं, अगर कुछ हुआ है तो वो बहुत गलत हुआ है। बट एट द सेम टाइम आप ये सोचें कि गवर्नमेंट की रेट को आप कैपिटल में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के, आप जो कौन सा मज़हब है जो इसको आपको वो देता है, मस्जिदों के अंदर किस तरीके से आप वेपन रख सकते हैं, ये कोई और अगर गवर्नमेंट ने उसमें कोई इस किस्म के उन्हें एक्शंस उन्होंने लिए हैं तो वो उन्हें लेने पड़ते हैं। गवर्नमेंट हुकूमत इस तरीके से नहीं चलती है, हुकूमत चलाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा। पाकिस्तान में हर जगह पर आप देखें कितनी तबाही हो रही है हमारी, तालिबानाइजेशन हो रही है कि लोग हमारे बच्चे हैं वो 16 साल के 18 साल के जो बम बांध के एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और जाके वो मार देते हैं, वो कौन सा इस्लाम है यार। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मैं किस तरीके से आर्गूमेंट ये करूं कि एक आदमी जाके और चौक के अंदर, और मुसलमान है जो कि बम बांध के गया वो भी मुसलमान है, और जितने लोग मरते हैं 50, 60, 100 वो सब के सब मुसलमान होते हैं यार। अच्छा, लेकिन ये आर्गुमेंट जो ये लोग हैं ये देते हैं कि ड्रोन अटैक्स जो हैं, बिल्कुल इनको आप किस तरह जनरलाइज कर सकते हैं जिसका? देखें, हमें सबसे पहले वी हैव टू लिव इन रियलिटी। अमेरिका इज़ अ सुपर पावर और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारी अपनी गलतियाँ हैं, लीडरशिप की गलतियाँ हैं कि हमने इतना इन्फ्लुएंस आने दिया है। बट वट प्रेजिडेंट मुशर्रफ वॉज डूइंग, ही वॉज प्लेइंग विद द अमेरिकन्स, वो कुछ मान रहे थे कुछ नहीं मानते थे, पाकिस्तानी इंटरेस्ट को सामने रखते थे। प्रेजिडेंट मुशर्रफ के दौर में मेरे ख्याल है कोई तीन चार ड्रोन अटैक्स हुए, जितने ड्रोन अटैक्स हुए उसके बाद हुए। ये कहते हैं जी कि मुशर्रफ साहब क्योंकि ये करके गए तो इसलिए हुए, भाई मुशर्रफ साहब तो चला गया, ही इज़ हिस्ट्री। अभी आप लीडरशिप हैं वहाँ, आप ना करें उसको। अगर आप ये समझते हैं कि ये गलत हैं या कुछ कर सकते हैं तो ये सिटिंग गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये मुशर्रफ की जिम्मेदारी तो नहीं है कि अभी जो कुछ हो रहा है। सो दे हैव टू टैकल, इनको सिर्फ मुशर्रफ पे इल्ज़ाम डालने से वो नहीं हो सकता। लेकिन यस, मुशर्रफ की गलतियाँ हैं, बलूचिस्तान में हैं। अब एक बड़ा अच्छा कदम होने जा रहा है, यहाँ मुशर्रफ साहब आएंगे, मुशर्रफ साहब जिन जिन सिटीज़ में गए हैं, जिन जिन दूसरे शहरों में गए हैं वहाँ उन्होंने एक लीडरशिप दी है, यहाँ आपने कुछ सोचा है लीडरशिप कौन लीड करेगा? यार अब मैं कोई इस पर्सनली स्पीकिंग तो मैं कोई इसमें वो नहीं हूँ कि यहाँ से कोई हम लीडर पैदा कर रहे हैं, लीडरशिप है ना, आप हाँ। कोई जो यहाँ कोऑर्डिनेटर होते हैं, ये चुनते हैं जो इनको कोऑर्डिनेट करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये हालात का कुछ अगर APML यहाँ कुछ लॉन्च करने जा रही है तो उसकी बकायदा
जैसे जो है उसकी इमरान खान ने यहाँ पे कर रखी है, एक लीडरशिप है उनकी, एक सेटअप बना है, इस तरह आप सोच रहे हैं एक सेटअप बनाने जा रहे हैं कि अभी उसके बारे में? अभी तक हमने APML के बारे में कोई ऐसा नहीं सोचा है। हमारा जो है ये, हम जिस बैनर के नीचे इकट्ठे हो रहे हैं उसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट, ये नाम है। ये ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्ली टोरंटो में मौजूद है, कैलगरी में मौजूद है, तो उसी तरीके से हमने एक फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट बनाई है जिसके बैनर के नीचे ये सब कुछ होगा। एंड द आइडिया इज़ कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट जो है उसका काम सिर्फ इतना नहीं रह जाएगा, अगर लोगों ने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और लोग उसमें आए और उन्होंने करना शुरू किया। ये वही फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान है जहां साबुल पन्नू साहब जिसकी क्यादत कर रहे हैं? नो, आई डोंट नो। अच्छा, आई डोंट नो, क्योंकि एक फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान एक ऑलरेडी बन चुकी है यहां पे, उसका मुझे नहीं अंदाजा। अच्छा, इसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट। जी, इसका अभी हमने ये एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जिसमें 11-12 लोग हैं, जिसमें मैं भी हूँ, याकत बाजवा साहब हैं, वजाहत हैं, असद सैयद साहब हैं और 5-6-7-8 और लोग हैं बीच में। और हमारा मेन एम यही है कि हमारा कंसर्न सिर्फ ये रहेगा कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो, मसलन अभी आप लोगों ने सब, और हमारा मेन एम ये है कि हम इन सब के साथ मिल के चलेंगे, PCA PCCA BCMA जो लोग भी होंगे जिनके साथ हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। जो मैंने अपना, अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने अपना वो 7-8 साल का मिरेकल में मैंने क्या सीखा है, तो जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी और मैं कभी सोचता भी हूँ उसके ऊपर कि मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जा रहा था, मैंने जिस चीज़ को गलत समझा उसके ऊपर मैंने चोट की है, उसको मैंने नहीं। लेकिन अभी मैं सोचता हूँ शायद उम्र के साथ साथ इंसान में वो धीमापन भी आता है, समझ आती है, तो आई फील कि अगर मैं थोड़ा सा अंदाज थोड़ा सा उसको बेहतर बनाता, कोऑपरेटिव बनाता, तो यही लोग जो थे ये मेरे साथ होते मेरे खिलाफ होने के बजाय। बट आई थिंक नो रिग्रेट्स, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। मैंने कभी नियतन, मुझे पता था कि मैं वो तमाम लोग जिनके खिलाफ मैं लिखता वो मेरे दोस्त हैं अभी भी, उनको फ़ोन करता हूँ तो प्यार मोहब्बत से बात करते हैं हम एक दूसरे के लिए, और यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि प्रमोट करें हमें कम्युनिटी में। पहले मैंने देखा कि ये एक बड़ी मेरे में भी खुद बेतहाशा गलतियाँ होंगी, बेतहाशा कमज़ोरियाँ हैं, और जो मेरा ख्याल है जो हमसे पहले लोगों की जो सबसे बड़ी मुझे महसूस हुई है वो ये कि लोगों ने पर्सनल चीज़ों को, ज़ाती आपस की इख्तलाफात को कम्युनिटी में फैला दिया, ग्रुप्स उस बेस पे बने, क्योंकि मुझे आप पसंद नहीं है आप उस ग्रुप में बना लें तो मैंने आपका एक एंटी ग्रुप बना लिया, वो ठीक नहीं है। बट वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है, और मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी जो है बड़े अहसन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से वो इसमें से निकल के और मैच्योर हो रही है, एंड वी आर लर्निंग एवरीडे। मैं इस बात को ज़्यादा बढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन एक आखिर में एक क्वेश्चन करूँगा, हक बनता है मेरा ख्याल है जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी देख रहे होंगे। आपको लगता नहीं है कि जैसे आपका एक तलख एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे लोगों ने ग्रुप्स बनाए, और जैसे अब पाकिस्तान की सियासत को लेकर यहाँ ग्रुप बनने शुरू हो रहे हैं? यार ये होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर हम इसमें प्रेसिडेंस सेट करेंगे, विच आई बिलीव वी आर गोइंग टू डू, मसलन अभी यहाँ पर जो है इस वक्त अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो PTI है, सैफ पन्नू इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, वेरी फाइन पर्सन, थोरो जेंटलमैन। और मुझे आज किसी एक और दोस्त का फ़ोन आया था और उसने मुझे ये कहा था, और मैंने पहले से ये बात मैंने कही थी अपने जो हमारा ग्रुप था ये 4-5 लोगों का, उनमें मैंने कहा था कि यार आई वॉन्ट टू गो एंड सैफ पन्नू को मैं खुद इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो इस फंक्शन में आए और वो करे। तो उन लोगों ने बोला, मेरे दोस्तों ने, कि यार अभी ठहर जाओ ज़रा, लेट्स बिल्ड अप। लेकिन किसी की भी नीयत ये नहीं है कि हम कन्फ्रंटेशन में जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि कल इमरान खान आएगा तो मैं आई विल बी देयर अगेन, अगर मतलब मुझे किसी भी कैपेसिटी में। वो पिछली दफा जब इमरान खान आया तो सैफ वाज ग्रेट, उसने, मेरी बेटी माहीन आपको पता है उसके पास कम्युनिकेशंस की डिग्री है, शी वाज वर्किंग फॉर अ TV चैनल,
इट वॉज बिकॉज ऑफ सैफ पन्नू, उसने उनका इंटरव्यू अरेंज कराया और वो आई पर्सनली आई मीन मुझे इमरान से कभी भी कोई उसके बारे में जो है मैंने हमेशा अच्छा ही सब समझा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह टच वुड अल्लाह ताला हमें इसमें वो दे। और मैं आपके इसके हवाले से आपके इस प्रोग्राम के हवाले से बिकॉज इट विल बी रीचिंग टू मैनी पीपल और उन सब लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार लेट्स ग्रो अप, हमें मेच्योर हो जाना चाहिए बिल्कुल अपने आपको। मैं कहता हूँ कि एक एक इंच भी अपने जो आपका स्टैंड है जो आपकी थॉट है उससे हिले मत। अगर आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं खड़े रहें वहीं पे, आपको कोई नहीं तोड़ सकता। मैंने जब ये ग्रुप बना रहा था मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार आई वॉन्ट यू के तुम आओ इधर। उसने मुझे बोला कि नुसरत भाई मैंने सैफ साहब से कमिटमेंट कर लिया। मैंने कहा बिल्कुल मत आना अगर तुमने कमिटमेंट की है। कहता मैंने कोई उनके कोई अभी तक काम किया नहीं है लेकिन मैं उनसे कमिट कर चुका हूँ। मैंने कहा स्टे ऑन योर कमिटमेंट यार, आई डोंट वॉन्ट एनी बडी कि जो आदमी उधर कमिटमेंट पूरी नहीं कर सका वो हमारे साथ क्या करेगा। हम तो यार आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, वी गो बाई कॉन्सेप्ट, वी गो बाई कन्विक्शंस, वी गो ऑन फिलोसफीज और अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट हमारे बड़े क्लियर हैं और बड़ा सीखा है अभी इसमें। और लड़ने झगड़ने में किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कम्युनिटी की तबाही है यार। हम सबको मिल के काम करना है, आप जो करना चाहते हैं आप खड़े हों और इंशाल्लाह हमारी कम्युनिटी जो है वो दिन दूर नहीं है कि आई एम सीइंग इट कि जब हमारी कम्युनिटी में से हमारे लोग में से आप लोगों में से लोग जो हैं बड़े एक्टिव पॉलिटिक्स में होंगे जिनकी एक्टिवली हमारी ये कम्युनिटी की डिफरेंट आउटलुक होगी और वो दिन इंशाल्लाह आने वाला है। देखिए जी वी विश यू, हम PCCA वेब टीवी के हवाले से वी विश यू गुड लक और हम चाहते हैं कि आप ग्रो करें और इसी तरह के आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत भी है जो कम्युनिटी में आगे आएँ और हमें कुछ गाइडेंस दें। आखिर में आपका एक मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगा कम्युनिटी के लिए, आप कुछ जो भी पैगाम देना चाहें आखिर में। यार नवीद आपने मुझे बड़ा ऑन द स्पॉट रख दिया और एक थैंक यू वेरी मच। आई डोंट थिंक कि मैं कोई इतना बड़ा ऐसा लीडर हूँ यहाँ पे जो कि मैं अपने पैगाम देने शुरू कर दूँ, बट एट द सेम टाइम यस मैंने जिस तरह पहले कहा है कि यार हमें अब ग्रो करना है, हमें मेच्योर बनना है, हमें हम लोग जज्बाती लोग हैं, बड़े पैशनेट लोग हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है। जज्बाती होना बुरी चीज़ नहीं है, जज्बाती होना बहुत अच्छी चीज़ है यार। वो बंदा ही क्या जिसमें जज्बात ना हो यार, वो तो फिर पत्थर पड़े हुए होंगे जिनमें जज्बात नहीं है। आप में जज्बात होने चाहिए लेकिन जज्बात को अपने कंट्रोल में रखें, जज्बात के कंट्रोल में ना चले जाएं। मैं ख़ुद भी बड़ा कमज़ोर हूँ इसमें लेकिन वक्त के साथ हमने ये सीखा है कि जज्बात को कंट्रोल करें और उस वो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनको यूज़ करें अपनी एनर्जीज़ को और अच्छे कामों के लिए करें और पॉजिटिव रहें यार। ये मत सोचें कि वो क्या कर रहेगा, आप करें कि आप क्या कर सकते हैं इस कनाडा के लिए। ये बहुत ये हमारा मुल्क है, इट वी हैव टू ओन कनाडा, कनाडा हमारा मुल्क है, किसी ने हमें आके कहना नहीं है। अपने आप को लोग बोलते हैं यार कि मैं तो यहाँ पे थर्ड क्लास सिटीज़न हूँ। मैं कहा इफ़ यू आर थर्ड क्लास सिटीज़न तो जाओ यार यहाँ से, व्हाई आर यू हियर। कनाडा तो आपको नहीं कहता कि आप थर्ड क्लास सिटीज़न हो, ये आपकी अपनी सोच है। अपनी सोचों को ज़रा थोड़ा सा हवा दें, थोड़ी रोशनी दें, कुछ अपने जहनों को खुला करें और अपने आप को इस मुल्क से प्यार करो और उस मुल्क से भी प्यार करो जहाँ से आए हो, वो है हमारे साथ प्यार। इस मुल्क से भी प्यार करना सीखो, यहाँ की तमाम अच्छी चीज़ें हम ले रहे हैं, मेडिकल रोड्स यू नेम इट, हैं प्योर आपको खाने को मिलता है चीज़ें। आप अपनी मस्जिद में जाओ, जो मर्ज़ी नमाज जिसने पढ़नी है छोड़ो, इन तमाम मामलों को अपने अल्लाह का अपना मज़हब का बिल्कुल पक्के रहो उसके ऊपर और अपने जो समझते हो वो फॉलो करें और प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। अगर आपको किसी से इख्तिलाफ़ है, आपको किसी हो तो आप पे इतनी जरूरत होनी चाहिए उसके सामने बोलें उसे, लेकिन थोड़ा नरमी से बोलें, थोड़ा प्यार से बोलें तो दूसरा आदमी भी समझ जाएगा बात। थैंक यू वेरी मच नवीद, आपने मुझे बहुत मौका दिया यार, एंड आई एम रियली थैंकफुल। और मैं बेसिकली बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, क्योंकि मेरे पे एक इल्ज़ाम ये भी हम पे लगता था कि PCCA को हमने बनवाया है तो गो के इसमें कोई हकीकत तो नहीं है, लेकिन यार ये आप लोगों के जो काम कर रहे हैं ये देख के मेरा दिल चाहता है कि इस इल्ज़ाम को कबूल कर लूँ। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आप लोगों को जो है इस काम में और तरक्की।